ये बताइए मंत्री जी, जो कानपुर में घटना हुई है उस पर क्या है? जो माँ को मार दिया है छेड़खानी हुई थी उस पूरे मामले में, कुछ महीनों पहले कुछ लड़कों ने एक बच्ची से छेड़छाड़ की थी और उसके बाद कुछ विवाद भी हुआ था, इसमें लोग पकड़े गए थे, जेल भेज दिए गए थे। उनमें से एक व्यक्ति बेल पर छूटा और उसने और उसके साथ के लोगों ने जाकर जिस लड़की ने रेप की रिपोर्ट लिखाई थी, शिकायत की थी, उस घर पर चढ़ाई कर दी और इसमें लड़की की माँ को चोट आई और उसमें मौत हो गई है। सरकार की तरफ से मैं कहना चाहूँगा कि जो दोषी हैं इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, उनको पकड़ा जाएगा। सरकार की नीति है जीरो टॉलरेंस की अपराधियों के खिलाफ और भ्रष्टाचार के खिलाफ, तो ऐसे जो भी अपराधी हैं दोबारा पकड़ा जाएगा, उनको जेल भेजा जाएगा और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी उनके खिलाफ। मंत्री, शिरडी साईं मंदिर को लेकर जो बवाल मचा है और शिरडी साईं मंदिर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है, उसको लेकर क्या कहेंगे? ये अनावश्यक है। शिरडी बाबा का मंदिर शिरडी में बना हुआ है, बहुत सालों से बना हुआ है, मैं भी वहाँ पर जा चुका हूँ, बल्कि 1957-58 में मैं पहली बार गया था। मेरे पिताजी फौज में थे और उसके पास अहमदनगर एक जगह है, वहाँ पर उनकी पोस्टिंग थी और पिताजी तब से ही हमारे पिताजी भी हमारे परिवार के लोग भी श्री साईं बाबा को मानते हैं। कहीं से ये पता चला है कि वैसे जो आम चर्चा है वो यही है कि बाबा किसी शादी में आए थे वहाँ पर छुटपन में और फिर वहीं पर ही रह गए थे और वहीं पर उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, भगवान की अर्थ पूजा की उन्होंने और वहीं पर ही वो बस गए थे और उनके गुजरने के बाद वहीं समाधि बन गई और समाधि के ऊपर ही मंदिर बन गया है। किसी शोधकर्ता ने कहीं से जानकारी मिली है कि कोई पाथरी नाम का कोई गांव है, वहां पर उनका जन्म हुआ। तो बहुत जल्दी एक निर्णय ले लिया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा कि जहां उनका जन्म हुआ है उसको भी, उसका भी विकास कराया जाए और लगभग 100 करोड़ की राशि आवंटित कर दी गई है। अब इसके विरोध में मंदिर खड़ा हो गया है क्योंकि मंदिर बहुत सालों से चल रहा है और हजारों लाखों की तादाद में श्रद्धालु वहाँ पर जाते हैं, दर्शन करते हैं, उनका उसमें विश्वास है, उनकी पीठ में विश्वास है, समाधि में विश्वास है, तो ऐसे जो श्रद्धालु हैं उनको अच्छा नहीं लग रहा है कि साईं बाबा जी का जो मंदिर है उसके समानांतर ही कोई और मंदिर या कोई और धार्मिक स्थल उनके नाम से बनाया जाए, इसलिए विरोध हो रहा है। मैं समझता हूँ कि सरकार ने हस्तक्षेप करना, महाराष्ट्र सरकार ने हस्तक्षेप करना चाहिए और वहाँ के जो ट्रस्ट है, ट्रस्टी हैं,
उन न्यास के लोगों से बात करना चाहिए और ये जो विवाद है उसको समाप्त करना चाहिए, क्योंकि मंदिर बंद करने से जो श्रद्धालु हैं, जो सेवक हैं, जिनका बाबा में बहुत विश्वास है, वो दर्शन नहीं कर नहीं पाएंगे। और कहते यही हैं कि जो साईं बाबा के मंदिर शिरडी में जाता है, बाबा का आशीर्वाद मिलता है, और वो जो भी मन्नत मांगता है वो पूरी। केजरीवाल एक बार फिर विवादों में हैं और टिकट बेचने का आरोप लगा है, उसको लेकर क्या बोलेंगे? देखिए, ये जो छोटी पार्टियां हैं, और खास करके ये जो स्थानीय पार्टी हैं, जो कुछ स्थान पर ही रहती हैं, कुछ राज्य में रहती हैं, बहुत समय से इनके ऊपर ये आरोप लगते हैं। ये पार्टियां बनती हैं, ये पार्टियां टूट जाती हैं, और टूटती ज़्यादा हैं। जो जीत जाते हैं, जिनको मंत्री नहीं बनाया जाता है, वो इधर उधर भख्या भी कर जाते हैं। जिनको टिकट नहीं मिलता है, वो भी इधर से उधर चले जाते हैं। हर चुनाव में पाला बदलते हैं, और अधिकतर इन पार्टियों के ऊपर ये आरोप लगता है कि पैसा देकर ये लोग टिकट लेते हैं। उत्तर प्रदेश में भी जो छोटी रीजनल पार्टियां हैं, उनके ऊपर ये आरोप लगते रहे। पार्टियों का नाम मैं नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन जग में सभी को मालूम है। अब परेशानी उसमें यही हो जाती है कि जो टिकट बहुत पैसे लेके टिकट लेके आते हैं, तो फिर वो जब जीत जाते हैं तो फिर वो जनता को ही निचोड़ते, वहाँ से पैसा वसूली करते हैं, और जो राजनीति का भाव है, धर्म है कि लोगों की सेवा करनी है, निस्वार्थ सेवा करनी है, ये सिद्धांत जो है वो पीछे रह जाता है। साईं बाग में एक बार फिर पोस्टर वार शुरू हो गया है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मैं मेरा मत ये है कि आप बहुत दिन हो गए, काफ़ी दिन हो गए, ये जो लोग जो हैं, जो संदेश देना चाहते थे उन्होंने संदेश दे दिया, अब इन्होंने खाली कर देना चाहिए। और यदि जगह खाली नहीं करते हैं, तो फिर बलपूर्वक बल का उपयोग करते हुए दिल्ली पुलिस ने वो जगह खाली करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। खासकर किसी जो नोएडा से आने वाले लोग हैं, ग्रेटर नोएडा से आने वाले हैं, गाज़ियाबाद से आने वाले लोग हैं, और जिनको साउथ दिल्ली की तरफ जाना है, उनको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। उनको 10-15 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से चाहे वो DND हो और या फिर रिंग रोड हो, दक्षिण वाली रिंग रोड है, आश्रम चौक है, वहाँ बहुत बहुत भीड़ लग रही है। आने जाने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, और कोर्ट ने भी अब दिल्ली पुलिस को आदेश दिया है कि वो कानून के अंदर कानून का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे कानून व्यवस्था ठीक करे और ये जगह खाली कराए। अच्छा मंत्री जी, ये भी आरोप लगते हैं कि 500-500 रुपये लेके रोज के एक व्यक्ति जो वहाँ पर बैठती हैं महिलाएँ, कि 500 रुपये में उनको खरीदा जा रहा है, 500 रुपये रोज से आकर के बैठ रहे हैं वो लोग जो हैं, किराया के मांग करके मतलब उनको बैठाया जा रहा है, ताकि वो लोग यहाँ धरने में बैठ रहे हैं, यही वजह है कि अब तो धरना चल रहा, जैसा आरोप है लोगों का, सोशल मीडिया पर ही वीडियो वगैरह देखें। देखिए, जो सूचना मिल रही है और जो दृश्य वहाँ के दिखाई दे रहे हैं, वीडियो बनकर आ रही हैं कि लोगों को पैसा दिया जा रहा है, कुछ वीडियो निकले हैं कि महिलाओं को 500 रुपये रोज और बच्चों को 200-300 रुपये रोज दिए जा रहे हैं। वो आकर वहाँ पर बैठ जाते हैं, सुबह और शाम तक वहाँ पर खाने पीने के जो हैं स्टॉल बन गए हैं, बिरयानी परोसी जा रही है, वहाँ पे बच्चों को क्रिकेट खेलते हुए भी देखा गया है। तो वहाँ पे एक प्रकार से वो पिकनिक स्पॉट बन गया है, वहाँ
जो धरना प्रदर्शन वहाँ नहीं हो रहा है वो पिकनिक स्पॉट बन गया है, लोग मज़े लेने के लिए वहाँ पर आने लग गए हैं। इसीलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए और जनता को जो सुविधा हो रही है, खास करके गाड़ी चलाने वाले जो लोग हैं, आने जाने वाले लोग हैं, नौकरी करने वाले लोग हैं, और चाहे वो एम्बुलेंस हैं या दूसरी आवश्यक जो सुविधाएं हैं, वो सब वहाँ पर जो है प्रभावित हो गई है। इसको ध्यान में रखते हुए मैं समझता हूँ कि समय आ गया है इनको सबको बलपूर्वक हटा देना चाहिए और नॉर्मलसी वहाँ पर हो जानी चाहिए। साइन बाद के बाद लखनऊ में भी घंटा घर पे प्रदर्शन चल रहा है, करने की कोशिश की है, लेकिन धारा 144 वहाँ पर लागू है और उनको सबको वहाँ से हटा दिया गया है और आगे भी हटा देंगे। उत्तर प्रदेश में इस प्रकार का इस प्रकार के धरने प्रदर्शन उत्तर प्रदेश सरकार नहीं होने देगी और इसमें माननीय योगी आदित्यनाथ जी के जो आदेश हैं वो बिल्कुल क्लियर हैं और बिल्कुल मजबूत हैं और किसी भी प्रकार का हम लोग जो घटना पहले हो गई वो हो गई और दोबारा इनका पुनरावृत्ति नहीं होने देंगे। और उत्तर प्रदेश में हम लोग शांति व्यवस्था स्थापित कर रहेंगे। जैसा मैंने कहा कि योगी जी की सरकार है ज़ीरो टॉलरेंस है अपराधियों के खिलाफ और ज़ीरो टॉलरेंस है भ्रष्टाचार के खिलाफ, क्योंकि ये ऐसे जो धरने प्रदर्शन होते हैं उसमें असामाजिक तत्व के लोग हैं वही जाकर बैठ जाते हैं और वही खुराफात करते हैं और उसमें जो आंदोलन करना चाहते भी हैं मैं समझता हूँ वो भी बदनाम हो जाते हैं। आज क्रिकेट मैच है तो उसको लेकर किस तरह के कयास आपके तरफ से क्या मिसीज होंगे क्या? देखिए मेरे ख्याल से तो मैच बहुत अच्छा होगा। पहला मैच ऑस्ट्रेलिया जीत गया, दूसरा मैच रिटर्न किया है, वापसी की है भारत ने, बहुत अच्छी वापसी की है, ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया और एक बराबर है जो श्रृंखला है। आज का मैच बहुत ही अच्छा होगा, दोनों टीमें जो है पूरा संघर्ष करेंगी, अच्छा मैच देखने को मिलेगा, दर्शकों को भी आनंद उठाएंगे और अंत में लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि विराट कोहली की टीम जीत जाएगी।